चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आप लोगों को चलना है डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे, ठीक है? मेरी वेबसाइट पर मैं पहुंचता हूं सीधा, तो आप लोगों को जाना है लेक्चर वीडियो में। लेक्चर वीडियो में सेलेक्ट करना है मैकेनिकल थर्ड ईयर प्रोडक्शन। आप सीएनसी मशीन का लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो सीएनसी मशीन पे इस तरीके से क्लिक करके सभी लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज लेक्चर यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है? और अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर के देखें। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट जो हमें पढ़ना है टूल इंजीनियरिंग पे। टूल इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 3, ठीक है? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक? तो चैप्टर नंबर 3 पे हम क्लिक करते हैं। और एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 3 है टूल इंजीनियरिंग का, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपको, जो मैंने 6, 7 या 8, 10 जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के लिए हमें 4 ऑप्शन देने होते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं लिखवानी है। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनेंगे। चलिए वो इम्पोर्टेंट मैं देखता हूँ क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रैप क्लैंप को किसकी मदद से जोड़ा जाता है? लीवर की मदद से, नट की मदद से, बोल्ट की मदद से, या सबकी मदद से? तो जो लीवर होता है, ज़्यादातर हम स्ट्रैप क्लैंप होती है उसको हम लीवर की सतह से जोड़ते हैं। नट या बोल्ट जो होते हैं उनको हम अलग चीज़ों को मतलब कि परमानेंट या फिर टेम्पररी जॉइंट करने के लिए हम जोड़ते हैं, लेकिन जो स्ट्रैप क्लैंप जिसकी बात हो रही है, क्लैंप की बात हो रही है, उसको हम लीवर से ही जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मान लो कोई भी पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र हो, क्या हो, किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे मान लो वो एक्स अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1। अगर वो किन्हीं 2 अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 2। अगर वो 3 अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 3। इसी तरीके से अगर वो 6 अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। किस तरीके से, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 तो एक्सिस ही नहीं होती हैं, है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 कहाँ से हो गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक्सिस एक्स होती है, ठीक है, उसी की एक निगेटिव एक्सिस होती है माइनस एक्स। उसी तरीके से जो जेड एक्सिस होती है उसी की एक नेगेटिव एक्सिस होती है माइनस जेड, और जो एक्सिस बाई होती है पॉजिटिव बाई, उसी की एक नेगेटिव एक्सिस होती है माइनस के बाई। यानी कि जब पिंड हमारा 6 दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रोबोट होता है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। रोबोट माइनस एक्स और प्लस एक्स या माइनस जेड प्लस एक्स किसी भी टाइम पे कभी भी जा सकता है, यानी कि वो किसी भी एक्सिस पे काम कर सकता है रोबोट, ठीक है? तो यानी कि अक्ष के सापेक्ष घूमना, अक्ष के सापेक्ष फ्री मोशन करना, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 3-2-1 के सिद्धांत में 3 का उपयोग क्या होता है? ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? यानी कि 3-2-1 में 2 का उपयोग क्या होता है, 3-2-1 में 1 का उपयोग क्या होता है? तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ, 3-2-1 में 3 का उपयोग क्या है। 3 का मतलब होता है 4 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन गति, ठीक है? 1 ट्रांसलेशन गति सभी में रहती है, ठीक, लेकिन जो मोस्टली अगर हम 3 के लिए बात करें तो इसमें 4 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन गति होती है। उसके बाद हम बात करें बी लोकेटर का प्रयोग किया जाता है गोलाकार कार्यखंड के लिए, अर्धगोलाकार कार्यखंड के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वी लोकेटर होता है वो इन दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, गोलाकार कार्यखंड के लिए और अर्धगोलाकार कार्यखंड के लिए। यानी कि वी लोकेटर है वो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ हमारा दोनों, ठीक है?
नोचिंग ऑपरेशन होता है। तो मैंने ये शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब किसी मटेरियल को उसके दोनों किनारों से रिमूव किया जाता है तो उसे हम नोचिंग ऑपरेशन कहते हैं। जिस तरीके से ड्रिलिंग, बोरिंग, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, उसी तरीके से लेथ मशीन पे, मतलब कि एक नोचिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पे क्यों, इसकी जो भी मशीन हो, ड्रिलिंग सॉरी सेपर मशीन या मिलिंग मशीन या किसी भी मशीन के थ्रू या सीएनसी मशीन के थ्रू जब ये मटेरियल को दोनों तरफ से काटेगा, ठीक है, तभी ये नोचिंग ऑपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है जैक पिन लोकेटर किस कैसी सतह पर प्रयोग किया जाता है? खुरदरी सतह पर, सपाट सतह पर, समतल सतह पर, कोई नहीं। तो जैक पिन लोकेटर जो होता है वो मोस्टली मेरे हिसाब से खुरदरी सतह पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सपाट सतह पर तो उसका प्रयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं, सेपर, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है। 4, 3, 2, 1, खुरदरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्क पीस के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं? वर्क पीस हमारा माइनस एक्स पे भी जाता है, प्लस एक्स पे भी जाता है, माइनस वाई पे भी जाता है, प्लस वाई पे भी जाता है, माइनस जेड पे भी जाता है, माइनस एक्स माइनस और मतलब कि 6 एक्सिस पे तो जाता ही जाता है, 6 डिग्री फ्रीडम तो हो ही गई। प्लस वो 6 और मोशन करता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि तो जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वो कितनी हो गई, टोटल 12। फ्लैट लोकेटर का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट मशीनी सतहों के लिए, उपयोगी सतहों के लिए, टूल सतह के लिए, या सभी। तो मेरे हिसाब से फ्लैट का लेना देना फ्लैट से ही हो सकता है। फ्लैट लोकेटर का जो प्रयोग है वो फ्लैट मशीनी सतहों के लिए ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि जो फ्लैट सतहें होती हैं उनको हम लोकेट करते हैं मशीनों को, मतलब कि उस पर मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है फ्लैट मशीनी सतहों के लिए। 3, 2, 1 के सिद्धांत में 2 का उपयोग क्या है? जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो 3 है उसका उपयोग होता है 4 घूर्णी गति और 1 ट्रांसलेशन गति, उसी तरीके से जो 2 है उसका उपयोग होता है 2 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन गति, ठीक है। यानी कि 3, 2, 1 में जो 2 का उपयोग है वो होता है 2 घूर्णन गति देना और 1 ट्रांसलेशन गति देना, ठीक। और 1 का उपयोग क्या है ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3, 2, 1 के सिद्धांत में 1 का उपयोग क्या होता है, तो 1 का उपयोग होता है एक एक डायरेक्शन में विस्थापन देना और बाई अक्ष में, वो भी बाई अक्ष में, मतलब कि एक ही गति करता है ये, एक अक्ष पर, मतलब कि सिंपली बाई अक्ष पर एक विस्थापित करता है, ठीक है। जबकि 3 का काम क्या था, 4 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन गति, ठीक है। 2 का काम क्या था, 2 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन गति, ठीक है। तो मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ, फिलहाल तो मेरा रिजल्ट 0 है क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। बी लोकेटर प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए। जैक पिन लोकेटर कैसी सतह पर प्रयोग किया जाता है, खुरदरी। स्ट्रैप क्लैंप को किसकी मदद से जोड़ा जाता है, लीवर। 3, 2, 1 के सिद्धांत में 1 का उपयोग है, प्लस 1 विस्थापन प्लस बाई एक्सिस में। नोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, दोनों किनारों से मटेरियल को काटना। 3, 2, 1 के सिद्धांत में 3 का उपयोग क्या है, 4 घूर्णन गति और 1 ट्रांसलेशन मोशन। फ्लैट लोकेटर का प्रयोग किया जाता है फ्लैट मशीनी सतहों के लिए। 3, 2, 1 के सिद्धांत में 2 का उपयोग क्या है, 2 घूर्णन गति 1 ट्रांसलेशन गति। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अक्ष के सापेक्ष घूमना, अक्ष के सापेक्ष फ्री मोशन करना दोनों। वर्क पीस के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 12। सी और रिजल्ट तो मैं 10/10 पा चुका हूँ, तो आप लोग भी इसको सॉल्व करें और लास्ट चैप्टर बचा हुआ मैं उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें।